नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बेहतर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गन्ना कैलेंडर के बारे में, पर्ची के बारे में। अगर आप किसान हैं और आपके पास एक स्मार्टफोन है और आप फिर भी बार बार साइबर कैफ़े पे जाकर पर्ची देखने के लिए पैसे पे कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे अपने स्मार्टफोन में अपना पर्ची देख सकते हैं, ठीक है। घर बैठे अपने स्मार्टफोन में अपना गन्ना कैलेंडर चेक कर सकते हैं और बहुत सारी डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आपको बताते हैं कि पर्ची कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपना पर्ची दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊँगा। पहला है वेबसाइट से और दूसरा है ई गन्ना एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको दोनों तरीके बताऊंगा, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में हम लोग सर्च करेंगे ken.up। देख सकते हैं मैंने ken.up यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हम इसको सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी पहली वेबसाइट है inquiry.ken.up, ठीक है, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू कलर का आपको कैप्चा शो हो रहा है। इस कैप्चा को इसमें आपको फिल करना है। तो कैप्चा को हम फटाफट से बॉक्स में फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपसे UGC कोड पूछ रहा है। अगर आपको UGC कोड पता है तो आप सिर्फ UGC कोड यहाँ पे एंटर करके और व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा डिटेल शो कर देगा। लेकिन हमको UGC कोड नहीं पता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बस्ती सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री का नाम यहाँ पे शो करेगा, तो आपको फैक्ट्री अपनी सेलेक्ट करनी है। मेरा KM मोती नगर है तो मैं KM मोती नगर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बस्ती अयोध्या वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिनका मोती नगर है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ये चेक मार्क का। अगर आपको अपना विलेज कोड और ग्रोवर कोड दोनों पता है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो हमसे सिर्फ कोड पूछा जाएगा। कोड के द्वारा हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। चलिए पहले मैं आपको कोड के द्वारा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना विलेज कोड और ग्रोवर कोड जो है दोनों इंटर कर लिया। यहाँ पे हमारा जो गांव का कोड है वो ये है और मेरा जो किसान कोड है वो ये है, ठीक है। तो मेरा गांव का कोड और किसान कोड मैंने इंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे व्यू बटन जो दिख रहा है इस पर हमको क्लिक करना है। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ सारा डिटेल आपको शो हो जाएगा। ग्रोवर का नाम क्या है, ठीक है, सनअप क्या है, मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिख जाएंगे, अकाउंट नंबर दिख जाएगा, सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गन्ना कैलेंडर का। पर्ची चेक करने के लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्ची का डिटेल शो होने लगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पर टोटल 38 पर्ची शो हो रही है, ठीक है। टोटल 38 पर्ची यहाँ पर शो हो रही है कि 38 पर्ची बनी हुई है। अब यहाँ पे जो जो पर्चियाँ हमारी कट चुकी हैं उन पे स्टार लगा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप पहले ही पक्ष के देख सकते हैं, पहले पक्ष के पहले कॉलम में यहाँ पे जो है स्टार लगा हुआ, ये हमारी पर्चियाँ कट चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पर्ची कटती है 9-9 कुंटल की, तो एक पर्ची होती है। तो यहाँ पर जो है मेरी एक पर्ची आ चुकी है, ठीक है। अब ये पक्ष कॉलम क्या है ये अगर आपको नहीं पता तो मैं इसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमको हमारा जो है विलेज कोड नहीं पता है, फार्मर कोड नहीं पता है, तो हम कैसे अपना पर्ची चेक करें। तो यहाँ पे आने के बाद जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट और जो है चीनी मिल यहाँ पर शुगर मिल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट विलेज का, ठीक है। आपको इस चेक मार्क पर टिक नहीं करना है, सेलेक्ट विलेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे सेलेक्ट विलेज पर यहाँ पे टिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करना है और इसमें अपना विलेज का नाम सर्च करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा विलेज का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना विलेज सेलेक्ट कर लूँगा। विलेज सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलेक्ट ग्रोवर का ऑप्शन दिख जाता है, तो आपको यहाँ पर ग्रोवर अपना सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ग्रोवर भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फिर से हमारा सारा डिटेल्स हो गया। फिर हम गन्ना कैलेंडर पर क्लिक करके अपना पर्ची देख सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा वेबसाइट का तरीका कि हम लोग वेबसाइट से कैसे बार बार चेक कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है हमारा ई गन्ना ऐप के द्वारा, जिस पर एक ही बार आपको लॉगिन करना है और आप जब भी चाहें अपना जो है पर्ची वगैरह चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको गन्ना कैलेंडर से भी दिखा देता हूँ, ई गन्ना ऐप से भी दिखा देता हूँ। तो आपको प्ले स्टोर से सबसे पहले ई गन्ना ऐप को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल करके रखा है। उसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा तो उसको हम लोग परमिशन दे देंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा होम पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको चेंज लैंग्वेज, रजिस्टर फार्मर, बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। तो आपको रजिस्टर फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्टर फॉर्म वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यूजीसी कोड पूछा जाएगा जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम लोग सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे मेन हमारा मसला होता है, क्योंकि जो हम लोग क्या करते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जब चूज़ करेंगे, देख सकते हैं मैंने बस्ती यहाँ पे चूज़ किया, यहाँ पे बस्ती चूज़ किया तो हमारा जो अभी चीनी मिल शो हो रहा था KM शुगर मिल वो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको अपने चीनी मिल का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। जैसे हमारा जो चीनी मिल है KM मोती नगर वो अयोध्या में पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे अयोध्या इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे अयोध्या सेलेक्ट किया यहाँ पे देख सकते हैं KM शुगर मिल जो मोती नगर यहाँ पे शो होने लगा। ठीक है, तो हमको मोती नगर पे क्लिक करना है। चीनी मिल पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे आपसे विलेज कोड और फार्मर कोड पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको विलेज कोड अगर फार्मर कोड पता है तो यहाँ पे इंटर करेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी सर्च बाय नेम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सर्च बाय नेम आपसे कैसे करना है मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे फटाफट से कोड इंटर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने विलेज कोड और फार्मर कोड दोनों इंटर कर लिया। अब यहाँ पे ऐड फार्मर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एड सक्सेसफुली लिख करके नीचे आ चुका है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे नेम विलेज सारा चीज़ फैक्ट्री मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर सब कुछ यहाँ पे शो होने लगा। ठीक है, तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अब हमको जब भी अपना कैलेंडर चेक करना होगा यहाँ पे आपको कच्चा कैलेंडर मेन कैलेंडर दो ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको मेन कैलेंडर पर क्लिक करना है। मैंने जैसे ही मेन कैलेंडर पर क्लिक किया ये देख सकते हैं मेरा पर्ची यहाँ पे ओपन हो चुका है, मेरे पास कितनी पर्चियाँ कट चुकी हैं और कितनी पर्चियाँ बाकी है सारा डिटेल यहाँ पे शो होने लगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस ऐप से बैक हो जाता हूँ। अब हमको बाद में फिर जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगा कि हमको पर्ची चेक करना है तो हमको फिर से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ऐप ओपन करना होगा और यहाँ पर सारा डिटेल शो होने लगेगा। देख सकते हैं मैंने जैसे ही ओपन किया यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो मुझे कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेन कैलेंडर पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पर्ची के बारे में सारा डिटेल यहाँ पे शो होने लगेगा। तो कुछ इस तरह से आप अपना गन्ना कैलेंडर चेक कर सकते हैं, पर्ची देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।